अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि वो जो कल केक खराब हो गया था उसको हमने कैसे यूज करना है कि सब शौक से खाएं और ओरिजिनल केक से ज्यादा मजे का कैसे बनाना है। सो फिलहाल मैं पैन केक्स बना रही हूँ। 2 कप दूध लिया है मैंने और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दिया है। तो इसको साइड पे रख दूंगी थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए, तो इसका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। उतनी देर में मैंने लिया है मैदा, उसको हम लेंगे। चॉकलेट चिप कुकीज की तरह ये भी जो होते हैं ना पैनकेक्स, बहुत मजे के बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 और कप मैदा मैंने इसमें डाला है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर और साथ में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ना भी हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर स्किप नहीं करना। अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी, नॉर्मल जो ग्रेनुलेटेड शुगर होती है, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। पैनकेक का बैटर भी काइंड ऑफ केक बैटर की तरह ही होता है। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, फिर उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं। सो इसमें हम ऐड करेंगे एग्स, क्योंकि ये बेकिंग नहीं है तो कोई मसला नहीं है। रूम टेम्परेचर पे हैं अंडे, या ठंडे ठंडे फ्रिज से निकाले हैं, यूज कर सकते हैं। मैंने भी अभी ही फ्रिज से निकाले थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है वेनिला एसेंस और साथ में अब बटर मिल्क इसके अंदर चला जाएगा और बस इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। देखें कितना मजे का बैटर तैयार हो गया। और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 1/2 कप चॉकलेट चिप्स। मेरे पास मिनी चॉकलेट चिप्स हैं, आपके पास बड़े हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। और बस इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने पैन ले लिया है और उसमें हल्का सा ऑयल से उसको मैंने ना बस ग्रीस कर लिया और इसके ऊपर पैनकेक बैटर डाल देंगे। और फ्लेम बिल्कुल हल्का भी रखेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा और तेज रखेंगे तो फौरन से जल जाएगा। सो मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखना है कि पैनकेक जो है वो रेडी भी हो जाए लेकिन सारा दिन ना लग जाए। तो जब इधर टॉप पे बबल्स आ जाए, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था, तो उसके बाद आप इसको फ्लिप करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज्यादा बबल्स नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ से हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगेगा और पैनकेक रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, जबरदस्त से पैनकेक्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही कॉटन टाइप के ये पैनकेक्स होते हैं। सो जरूर ट्राई करें, बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। ये होता है बच्चों का फेवरेट काम, जिसमें बच्चे व्हिप क्रीम यूज करते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि ये कहाँ से मिलती है, तो ये कोल्ड वाला सेक्शन होता है ना, जो फ्रिज वाला सेक्शन, आइल्स बने होते हैं डिफरेंट, जिसमें दूध मिलेगा, ठंडा योगर्ट मिलेगी, वहीं पे ये क्रीम भी मिलती है। आप वहां पे किसी से पूछ सकते हैं कि मुझे स्प्रे वाली क्रीम चाहिए, तो वो फिर आपको व्हिप क्रीम दे देंगे। सो मैं इसके ऊपर यूज कर रही हूँ हनी। हनी के साथ जो फ्लेवर आता है वो किसी और चीज के साथ नहीं आता। इस तरह के मौसम में इस तरह की चीजें खाने का बहुत मजा आता है। सो मैंने खूब एंजॉय किया और उसके बाद चाय वगैरह पी ली, एक ब्रेक ले ली थी और फिर से वापस आ गई थी किचन में। तो मैंने लिया है पानी और दूध, मैं बनाने लगी हूँ डिनर रोल्स। तो उसके लिए मैंने इनको माइक्रोवेव में रखना है इतना सा कि नीम गर्म हो जाए पानी और दूध, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, नहीं तो यीस्ट फिर काम नहीं करेगा। अब इसके अंदर मैंने डाला है इंस्टेंट यीस्ट 1 चम्मच और साथ में, मतलब 1 टेबल स्पून, और साथ में 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर डाल दिया, मेल्ट किया हुआ बटर है, ये आपने मेल्टेड ही डालना है। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून हनी। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप इसमें फिर 1 टेबलस्पून चीनी डाल लें। बस उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूंगी और मिक्स करके एक साइड पे रख दूंगी, तो ये जो यीस्ट है ना इसके ऊपर फ्रॉथ आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया है। यीस्ट बार बार चीज बोल रही हूँ, यीस्ट अच्छे से ब्लूम हो गया। ये देखें कितनी अच्छी सी फ्रॉथ आ गई है। अब मैंने ये 3.5 कप मैदा लिया है, 3.5 से 4 कप लगेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमने मेजर किस तरह से किया है। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक। सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सारा मिक्सचर जो है ना यीस्ट वाला मैंने इसमें डाल दिया है और बस इस डो को अब हम गूंद लेंगे अच्छे से। और 6 से 7 मिनट आपने इसको नीड करना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी सी बन जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए, कोई लम्स ना रहे इसमें। अगर आपको लगे कि ये डो बहुत सॉफ्ट है, मतलब स्टिकी है बहुत ज्यादा, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह की सॉफ्ट आपको चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा स्टिकी भी ना हो। तो ये परफेक्ट इस डो की कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा बटर मैंने इसके ऊपर दोबारा लगा दिया। इस टाइम पे आप ऑयल भी लगा सकते हैं और इसको रख दें जब तक ये साइज में डबल हो जाए।
ये था केक जो कल खराब हो गया था और इसको आज मैं फिक्स करूंगी। इससे मैं इतनी मजे की डिजर्ट बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ केक रोल। आपने कभी सोचा कि जो खराब हुआ हुआ केक हो, या ड्राई हो गया हो, या ओवर बेक हो गया है, या उसका डोम जो क्रैक हो गया है, या किनारे उसके हार्ड हो गए हैं, जो भी हो गया है, तो उसको अब आपने फिक्स कैसे करना है? खराब केक हो गया तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। और ये रेसिपी डेडिकेटेड है मुझे और मेरी फ्रेंड नताशा वकास को। नताशा की और मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं। हमारा जर्नी जो है ना, वो लाइफ का, वो एक वाइंडिंग रोड की तरह रहा है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, और हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी जिसको हमने मेहनत करके और हिम्मत ना हार के फिक्स किया है। सो ये जो रेसिपी बनने जा रही है, ये मेरे और नताशा के नाम है। तो चलें शुरू करते हैं। आप सबको भी मैं भूली नहीं हूं, जो जो भी क्वींस हिम्मत नहीं हारती ना, और अल्लाह के अलावा किसी इंसान पे भरोसा नहीं करती, और उनके लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है, उन सबको मेरी तरफ से ये रेसिपी डेडिकेटेड है। जिंदगी में जरूरी नहीं कि हर वक्त सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन जो चीज़ खराब हो जाए उसको फिक्स कैसे करना है, उसका हमें तरीका ढूंढना चाहिए और उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। क्या पता रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बस हिम्मत नहीं हारनी होती। सो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये सारे क्रम्स मैंने बना लिए हैं। उतनी देर में ना ये डो रेडी हो चुकी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि जब यीस्ट वाली डो होती है ना, उसे एक्स्ट्रा टाइम के लिए रखें तो वो फिर सावर डो में कन्वर्ट हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज होने लग जाता है। वो सावर डो फिर हर चीज़ में अच्छी नहीं लगती, वो स्पेसिफिक रेसिपीज में ही अच्छी लगती है। सो मैंने इसको निकाल लिया है, डिफ्लेट कर लिया, जो भी इसके अंदर हवा थी वो सारी खत्म हो गई है, और बस इसके बाद मैं इसके टोटल 16 पीस कर लूंगी। तो इस तरह हाफ हाफ डिवाइड करती जाऊंगी तो ऑलमोस्ट एक जैसा साइज बनता चला जाएगा। और उसके बाद हमने ना बस इसको छोटे छोटे बॉल्स में शेप कर लेना है। और अगर आपने ये साइजेस बना दिए उसके बावजूद लगे कि किसी जो पेड़े का साइज ज़रा थोड़ा छोटा है, तो बड़े में से लेके आप उसमें कर सकते हैं शिफ्ट। तो बहरहाल मैंने ये पेड़े बना लिए हैं सारे, और उसके बाद मैं इसको एक बेकिंग डिश या ट्रे, जो भी आपको आपके पास अवेलेबल हो, उसमें रख लें और कपड़े से कवर कर दें सिर्फ 15 मिनट के लिए। अब डबल होने का वेट नहीं करना, जस्ट 15 मिनट्स काफ़ी होंगे। अच्छा जी, ये बोल मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, ठंडा किया हुआ था, और इसमें मैंने ठंडी व्हिपिंग क्रीम डाली है। और कम से कम 24 घंटे फ्रिज में आप व्हिपिंग क्रीम को रखें और उसके बाद व्हिप करें। ठीक है, 2 टेबलस्पून इसमें गई चीनी, वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। साथ में मैंने इसके अंदर वनीला पाउडर डाल दिया, वनीला एसेंस भी आप डाल सकते हैं। तो बस इसको मैं हल्की स्पीड पर व्हिप करना शुरू हुई हूँ, और ये सॉफ्ट सी इसकी पीक्स बनी है, तो मैंने इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट डाल दिया। मेल्टेड चॉकलेट गर्म गर्म नहीं डालनी है, रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आप डाल दें। और बस इसको आपने व्हिप कर लिया तो ये रेडी हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे जाके मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट कर रही हूँ कंप्लीट बेकिंग कोर्स आप लिए, टोटली फ्री, यूट्यूब के ऊपर, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं है। हाँ, ऐड ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो इतनी मेहनत के पैसे एक्स्ट्रा चाहिए। आपसे मुझे 5-5 सेकेंड एक्स्ट्रा चाहिए होंगे पर एड। तो उसमें मैं ये सिखाऊंगी कि कोई भी व्हिप क्रीम हो ना आपके पास, उसको आपने स्टेबलाइज कैसे करना है कि वो मेल्ट ना हो जाए, बाहर आपने रूम टेम्परेचर पर रखी हो। सो वो ट्रिक सिखाऊंगी। अच्छा जी, 15 मिनट बाद मैंने इसको रख दिया है अवन में, 180 डिग्रीज पे प्री हीट किया हुआ था, और 15 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। आ जाते हैं जी केक की तरफ। चाहे किनारे इसके ड्राई हो चुके हों या जो भी हो ना, आपने सारा कुछ ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ना दूध डालना शुरू कर देना है। ये दूध आपने रूम टेम्परेचर वाला डालना है, ठंडा नहीं डालना, ठीक है। और साथ में मेल्टेड चॉकलेट है, ये गर्म हो रूम टेम्परेचर हो कोई बात नहीं, मकसद ये है कि ठंडा ठंडा इसके अंदर ना कुछ जाए। इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। अगेन इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, और इसको भी हमने गून लेना है, इसकी ना एक डो सी बन जाएगी। पानी सॉरी दूध डालते जाएं, डिपेंड करता है कि आपने कितना केक का मिक्सचर लिया ना, तो उस हिसाब से दूध कम ज़्यादा भी हो सकता है जो मैंने क्वांटिटी लिखी हो। मकसद यह है कि आपको सॉफ्ट सी डो बनानी है, ताकि जब आप खाएं फॉर्क से तो वो फिर सॉफ्ट लगे खाने में। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने 2 पार्चमेंट पेपर्स के दरमियान रख लेना है, और इसको मैंने कर लेना है रोल। 1 सेंटीमीटर थिक इसकी हमने रेक्टेंगल बना लेना है। बहुत ही इजी सा तरीका है। अब आप ये देखें, साइड पे जो एक्स्ट्रा थी ना, इसको मैंने यहाँ वहाँ लगा के तो इसकी टिप्स बना दी हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब अच्छा वाला एक रेक्टेंगल बन गया है।
इसका पर्पस ये है कि रोल में एक्स्ट्रा जो है ना ज़ाया ना हो क्रीम, या फिर आपको साइडों से रिमूव ना करना पड़े रोल, क्योंकि वो अच्छे से बना नहीं है। तो अब इसके अंदर हमने ये विप क्रीम डाल दिया, थोड़ी सी मैंने बचा लिया क्योंकि ऊपर भी यही लगा दूंगी, और बस इसको अब हमने इसके ऊपर लगा देना है। ये भी अब 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम विपिंग क्रीम जो है ना वो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और बस इसको पार्चमेंट पेपर की हेल्प से आप इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो ये वजह है कि पेपर ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप फॉइल यूज़ कर सकते हैं, क्लिंग रैप यूज़ कर सकते हैं, या इवन नॉर्मल पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अखबार वगैरह नहीं, उसकी इंक बहुत हार्मफुल होती है। एक्स्ट्रा क्रीम मैंने उतार दिया और इसी पार्चमेंट पेपर में मैंने इसको रोल कर दिया है। इसको वैक्स पेपर भी बोलते हैं, सो ये कोई डिफरेंट नहीं है उससे, ठीक है, फिक्र नहीं करनी। इसको रोल करके हम इसको जल्दी से रख देंगे फ्रिज में या फ्रीजर में। मकसद ये है कि हमने ना ये केक ठंडा कर लेना है, जमाना नहीं है, ठंडा कर लेना है। उतनी देर में जनाब ये देखें भाग दौड़ मेरी लगी हुई है ये बंस रेडी हो गए हैं, और बस इसके ऊपर ना मैंने मेल्टेड बटर लगा दिया है। तो ये जनाब डिनर रोल ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट कॉटन सॉफ्ट हैं, बटरी हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इनके ऊपर डेकोरेशन मैंने बड़ी प्यारी करनी थी लेकिन टाइम की शॉर्टेज थी। खैर जी, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं ना तो काम शुरू भी लेट होता है। शाम हो रही थी, शहजाद आ गए थे ऑफिस से वापस, और ये जो चिकन मैंने एक दफा मैरिनेट करके फ्रीज किया हुआ था ना, तो मैंने आपको ये ग्रिल पे भी बना के दिखाया, और अब मैं इसको एयर फ्रायर में बना रही हूँ। टाइम नहीं था सो जस्ट फ्रोजन चिकन निकाला, डिफ्रॉस्ट भी नहीं किया, और इस तरह देखें इसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया, रैक भी डाल दिया एयर फ्रायर का, ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा चिकन रेडी हो जाए। 180 डिग्रीज पे इसको 17 मिनट्स के लिए मैं रख दूंगी। फर्स्ट टाइम मैंने एयर फ्रायर में इनको किया है तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि तकरीबन 14 मिनट्स ठीक रहना था, 17 पे किनारे थोड़े से ना जरा ज्यादा ब्राउन हो गए थे। ये देखें कितना सॉफ्ट है, मुझे जल्दी थी तो मैंने गरम गरम को कर लिया, तो उससे बिल्कुल ऐसे चुरमुर होने शुरू हो गए थे। आपने इसको ना रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करना है। तो मैंने इसके ऊपर लगाई थी जी केचप, और साथ में खीरे और बंद गोभी, और साथ में चिकन के पीसेस रख रही हूँ और चीज़ स्लाइसेस रख रही हूँ। और पता नहीं, मुझे नहीं याद रहा कि मेरे पास का वीडियो क्लिप है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर बंस लगा के ना मैं दोबारा से तो इसको ओवन में रख दूंगी ऐसे 10-12 मिनट के लिए कि ये मेल्ट हो जाए चीज़। तो बस डन हो जाएंगे हमारे ये डिनर रोल्स। हाँ मैंने रखे हैं, ओके। आई थॉट कि मेरे पास ये वीडियो क्लिप नहीं है शायद। Let's go. शहजाद जब ऑफिस से आते हैं तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस की बातें बतानी होती हैं, और मैंने उनको घर की अपनी बतानी होती हैं, तो हम साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। तो खैर जल्दी जल्दी मैंने रोल निकाला है, इसको मैंने ना क्विकली ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रख दिया था। मेक श्योर कि ये फ्रीज ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो आपकी सारी रेसिपी फिर से खराब हो जाएगी। बस ठंडा करना है इसको थोड़ा सा, तो बस उसके ऊपर मैंने ये लगा दी है फ्रॉस्टिंग। ये प्लेट उल्टी करके मैंने रख दी, इस तरह से ना इजीली फ्रॉस्टिंग जो है वो रोल पे लग जाती है, और फिर आप इसको रोल को उठा के डाल भी सकते हैं ट्रे में। और मेरे पास ये चॉकलेट सॉस पड़ी हुई थी, ये मैंने थोड़ी सी डाल दी। आप मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, या जो भी आपके पास कोई सॉस घर में पड़ी है आप इसके ऊपर डाल दें, बस चिली सॉस नहीं डालनी। ओके, उसके बाद मेरे पास ये थोड़े से स्लिवर्ड आमंड्स पड़े हुए थे, ये मैंने डाल दिए हैं। आप इसके ऊपर चॉप करके पिस्ता बादाम जो भी आपकी मर्जी हो आप लगा सकते हैं, तो बस इसके ऊपर भी थोड़े से डाल दिए हैं। तो ये देखें बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से कितना मज़े का केक रेडी हो गया। सो अब आप अगर तजर्बा करना चाहें केक का तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चॉकलेट केक ना भी हो, आपने वनीला केक कुछ भी बनाया हो, ख़राब हो जाए तो आप उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी फाइनल लुक आई है। अभी मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा आपको। आ जाएं आप सब भी मेरे साथ जो है ना इंजॉय करें अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को, और मुश्किलों में हिम्मत ना हारने को, और अल्लाह ताला पे यकीन रखने को। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, ये केक सिर्फ उनके लिए, जिनमें हूँ मैं, नताशा और आप सब जो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करती हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है केक के, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हैं जी हमारे डिनर रोल्स वाले बंस, चिकन बंस। देखते हैं मुंह में ना पानी आने शुरू हो गया, देने पड़ेंगे ना इसके अंदर वो ना रैंडम एक और चिकन पीसेस, तो वो आपने ना काट के इसको निकालना है। लाइन में भी शुरू करना।
मैंने वैसे काट के ऐसा 3 लेयर ले लेने हैं यहाँ से क्या मजे का चलो खाना शुरू करें और फिर ले लेना मजे का और यूनिक कर रहा है इसका टेस्ट मुझे डिस्क्राइब नहीं करना ना मजे का है इसका कौन सा मिशु Have you eaten them? मुझे टिशू दो और टबास्को सॉस चाहिए टबास्को अभी से चुकंबर है उसके साथ जबरदस्त फील हो रहा है चुकंबर इज वंडरफुल यार कसम से जबरदस्त है यार ये तो ऑल टाइम फेवरेट हो गए मेरे जान हेलो लिटिल जो पुल्ड आउट चिकन होता है ना उसका बड़ा भाई है ये तो इतना मजे का है बस बेटू इतना मजे का चिकन ये इतना मजे का जिसको कहते हैं तुम बहुत बहुत मजे का होगा तेरी बहुत ही जबरदस्त है कलर से ये वही चिकन है जो मैंने मैरिनेट करके रखा है ना फ्रीजर में वही है सर टबास्को डाले डबल बता देता है कसम से गरम गरम जिस तरह आपने बनाया हुआ बंदा जो है ना पिकनिक बास्केट बनाए सामने जाके बैठ के खाए जैसे आपने उसे लंच बॉक्सेस नहीं बनाए थे सॉरी डिनर बॉक्सेस बहुत वो मजा नहीं भूलता गुड जॉब मिशु मिशु का सारा डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इसमें मैं आपसे ज़्यादा गपशप नहीं लगा सकी आपको अपनी रूटीन नहीं दिखा सकी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग बेकिंग ये सब करना था और साथ साथ मैं आपके लिए सारा बेकिंग का भी जो है ना स्टेप बाय स्टेप प्लान बना रही हूँ कि किस दिन क्या अपलोड करना है उसके लिए मुझे क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए और वीडियो को कैसे प्लान आउट करना है कि आपके लिए समझना ईजी हो और अगर आपके पास मेन मेन इन्ग्रीडियंट्स नहीं है तो उनके ऑल्टरनेट क्या हो तो काफ़ी इस चीज़ पर काम करना पड़ रहा है आई नो कि आप सब वेट कर रहे हैं बेकिंग रेसिपीज का स्पेशली फॉन्डेंट का तो लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगे बट बिलीव मी ऐसा नहीं है कि मैं बस ये वीडियोस बनाए जा रही हूँ अपलोड कर रही हूँ बैक एंड पे मैं काफ़ी सारा काम कर रही हूँ डोंट वरी बहुत जल्दी ये सब चीज़ें आएंगी तो काम भी शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो देर नहीं लगेगी एनीवेज वीडियो को हम करते हैं एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मिस्टर शहजाद ने कैमरा बंद कर दिया और फिर मैंने ये वाला कैमरा ऑन कर लिया क्योंकि अब मैंने आपको दिखाना था केक रोल तो आप इंजॉय करें ये देखें कितना सॉफ्ट है और मैं अभी आपको फॉर्क से ये दिखाऊंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखें अपना बहुत ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज